एक सीओ सहित 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतारने वाले हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मां भाई दीपू के साथ लखनऊ के कृष्णा नगर स्थित आवास में रहती है। विकास की तलाश में जब पुलिस ने वहां दबिश दी तो उसकी मां सरला दुबे मिली। पुलिस ने जब उनसे बात की तो हैरान करने वाला सच सामने आया। सरला दुबे ने कहा कि उनका बेटा अपराधी है, उसे बहुत समझाया कि रास्ता छोड़ दो, लेकिन उसने किसी की नहीं सुनी। उसने जो किया है उसके लिए मौत की सजा भी कम है, वो आतंकवादी है, उसे मार देना चाहिए। ये बोल वो फूट फूट कर रोने लगी। उन्होंने बताया कि लॉकडाउन के पहले उनकी विकास से मुलाकात हुई थी। वो अपने पत्नी व बच्चों के साथ दूसरे घर में रहता है, वह बीमार रहती हैं। उन्हें इस बात का दुख है कि बेटे की वजह से उनके पूरे परिवार की बदनामी होती है। माँ सरला ने कहा कि घर का एक लड़का भी खराब निकल जाए तो पूरे परिवार का सत्यानाश हो जाता है। उनके परिवार के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। विकास की माँ सरला दुबे ने बताया कि वो काफी समय से विकास के साथ नहीं रह रही हैं। उन्होंने बताया कि घुटने के इलाज के बाद वो दूसरे बेटे दीप प्रकाश के साथ ही रहती हैं। सरला दुबे ने बताया कि तबीयत बिगड़ने के बाद विकास उन्हें कभी देखने तक नहीं आया। जेल से छूटने के बाद से ही विकास से उनका कोई संपर्क नहीं है। विकास की माँ ने बातचीत में बताया कि विकास राजनीतिक वर्चस्व के लिए अपराध के रास्ते पर चला गया। विकास दुबे विधायक बनना चाहता था। उन्होंने बताया कि विकास के साथ गांव के कई लड़के साथ में रखता है। SPN 9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।